क्या आप भी करते हैं पेपर प्लेट का बिज़नेस क्या आपको भी सेल का प्रॉब्लम है क्या आप भी चाहते हैं अपना सेल डबल करना तो कोई बात नहीं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिज़नेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और कैसे आप अपने बिज़नेस में सफल हो सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं और कैसे आपके पास सेल बढ़ेगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ये सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे क्लियर करेंगे इस वीडियो में तो हेलो दोस्तों नमस्कार आप सबका फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज फिर से हम आप सबके लिए के बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएंगे ख़ास करके ये उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएंगे जो लोग इस बिजनेस में नए हैं जो लोग इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी उनको नहीं पता है बिस्डी के बारे में और कैसे इस बिज़नेस को किया जाए और किस तरीके से बिज़नेस में वो ग्रो कर सकते हैं आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचें तो दोस्तों इस बिजनेस को लोग करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होकर इस बिज़नेस को करते हैं और जब इस मशीन को लगा लेते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं और उनका सेल जब नहीं होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आखिर में ये होता क्यों है क्यों लोग मशीन लगाने के बाद फिर बेचने को परेशान हो जाते हैं या फिर मशीन लगाने के बाद उनका सेल नहीं हो पाता है जिस हिसाब से वो चाहते हैं जिस हिसाब से वो सोच के वो इस मशीन को काम करते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं जो चीज़ सोच के वो नहीं हो पाता मशीन लगाने के बाद क्यों क्योंकि वो मशीन लगाते वक्त वो तो कुछ बेसिक जानकारियों को वो नहीं देखते हैं नहीं बेसिक जानकारी के बारे में समझते हैं और मशीन को लगा लेते हैं वो लगाते हैं यूट्यूब पे देखा देखी यूट्यूब पे देख के या फिर आस पड़ोस में देखा देखी लगाते हैं तो ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग होते हैं सक्सेस कब जब उनके पास ये कोई अच्छे गाइड करने वाला हो अच्छे से ट्रेनिंग देने वाला हो जब वो सक्सेस हो पाते हैं ऐसे स्थिति में तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं तो पहला नंबर आपको क्या करना है आपको रेट निकालने आना चाहिए जो कि जेनुअन रेट हो मार्केट से थोड़ा कम ही हो ज्यादा ना हो क्योंकि अगर यदि आपका रेट मार्केट से ज़्यादा है तो कोई आपको पूछेगा नहीं और अगर यदि आपका रेट मार्केट से कम होगा तो आपको हर कोई पूछेगा और आपके पास पार्टी भी ज़्यादा आएंगे कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे और आपका काम भी बढ़ जाएगा तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पहला तो है रेट का कि जो आप रेट निकालते हैं वो एक जेनवन रेट होना चाहिए दूसरा है क्वालिटी क्वालिटी आपको एक से एक क्वालिटी होना चाहिए जिससे कि आप अपनी क्वालिटी के ऊपर आप कहीं भी कंपटीशन कर सकते हैं और तीसरा है क्वांटिटी क्वांटिटी जो आप दुकानदार को बोलते हैं वो होना चाहिए क्वांटिटी में दो चीज़ होता है अभी हम वीडियो के एंड तक में सारी बातें बता देंगे इन तीन बातों का ध्यान रखना होता है और तीन बातों में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है ये हम आपको अब बताते हैं तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो तो हम बताए दी कि रेट आपको जेनवन होना चाहिए और रेट आपको निकालने आना चाहिए अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से अगर आप रेट निकालते हैं तो ही आप मार्केट में टिक पाएंगे मार्केट में काम कर पाएंगे अगर यदि आपका रेट में उन्नीस बीस का फर्क होता है जैसे मान लीजिए अगर यदि कोई प्लेट दे रहा है छः रुपये का पैकेट और अगर यदि आपके पास साढ़े छः का पैकेट पड़ गया तो आपको कोई नहीं पूछेगा और अगर यदि जहाँ मार्केट में छः चल रहा है आप अगर पौने छः पाँच पिछहत्तर भी लगाते हैं तो आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे क्योंकि पच्चीस पैसे में बहुत फर्क पड़ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक उदाहरण देते हैं टेलीकॉम कंपनी के ऊपर जैसे कि पहले अब जियो से पहले जो हमारा चल रहा था वो एयरटेल आइडिया वोडा एयरसेल वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ थीं और इन सब के पास अगर यदि कॉल करते थे इन सब सिमों से तो डेढ़ रुपये दो रुपये एक रुपये पर मिनट लगते थे साठ सेकेंड के डेढ़ रुपये एक रुपये दो रुपये लगते थे उस वक्त मजबूरी था लोगों का कि हमें यही सिम यूज़ करना और कोई इसके अलावा रास्ता नहीं था उसके बाद जियो ने इसी का फ़ायदा उठाया कि जियो ने लाया और एक साल के लिए फ्री कर दिया अब वो फ्री करते ही जितने भी इंडिया में इंडिया के बाहर जो भी कस्टमर थे इंडिया में सारे लोग एयरटेल आइडिया बोडा एयरसेल सब छोड़ के और सारे जियो में कन्वर्ट हो गए इस चीज़ को करने से जियो का फ़ायदा हो गया और उसका कस्टमर इतना ज़्यादा बन गया कि पूरा इंडिया में सिर्फ जियो ही जियो हर जगह है और उसी की वजह से और भी कंपनी थे उनको भी अपना रेट कम करना पड़ा तो वो फ्री दिए फ्री देने से उनका सारा पार्टी जो है उनके तरफ एक्ट एक्टिव हो गए उनके तरफ सारा खींचे चले आए तो यही चीज़ सेम आपको भी करना है हम आपको ये नहीं कहते कि आप फ्री में दें फ्री में नहीं लेकिन कम से कम आप कुछ रेट तो डाउन कर सकते हैं अगर आपका रेट डाउन होता है थोड़ा सा कम होता है तो वैसे भी कस्टमर आपके पास चले आएंगे कोई ज़रूरी नहीं कि फ्री ही देना है लेकिन कोशिश रहे कि कम से कम रेट हो आपका फिर देखिए कि आपका कितना ज़्यादा सेल होता है अब दूसरी जो बात है वो है क्वांटिटी। कि क्वांटिटी आपको जितना दुकानदार को जितना मार्केट में आप बताते हैं कि हमारे पैकेट में इतने पीस होंगे उतना होना चाहिए उससे अगर यदि कम होता है तो दुकानदार नए लोगों पे इसीलिए विश्वास नहीं करते कि नए लोगों का क्या होता है कि क्वांटिटी जो बोलते हैं वो वो निकलता नहीं है क्यों नहीं निकलता है क्यों वो घर में मशीन लगाते हैं और घर में सारे लोग इकट्ठे होकर वो काम को करते हैं अच्छी बात है सब लोग मिलके करते हैं अच्छी बातें है, लेकिन सब लोगों को काउंटिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी का काउंटिंग कुछ किसी का कुछ होता है इस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि किसका सही है किसका गलत है तो काउंटिंग आपको किसी एक बंदे का ही होना चाहिए जिससे कि आप उसको पूछ सकें कि कितने का पैकिंग किया था अगर यदि आप चार लोग काउंटिंग करते तो किस पे आप बोलिएगा अगर वो बोलेगा हमारा सही था वो बोलेगा हमारा सही था तो फिर गलत किसका हुआ तो इसलिए अगर आप एक बंदा कोई भी काउंटिंग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है काउंटिंग के बाद दूसरा जो है क्वालिटी में ही ये भी आता है कि आपका जो पीस आप डालते हैं पैकेट में बीस पीस हो या पच्चीस पीस हो या पचास पीस हो या चाहे जितना भी हो आपका उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि ज़्यादा उसमें कटा फटा ना हो क्योंकि अगर यदि कटा फटा ज़्यादा होता है तो कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं वो साफ कहते हैं एक पैकेट में दस पीस तो कटा निकल गया पाँच पीस फटा निकल गया तो इन सब चीज़ों से आपको सावधानी करना है तो आपका मार्केट बनेगा और तीसरा जो है क्वालिटी क्वालिटी आपके प्लेट का ऐसा होना चाहिए जो कि मार्केट से भी बेटर हो और मार्केट से बेटर कब होगा जब आप अपने मशीन में अपने मशीन को चलाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे 100 जी का हिमाल को आप 120 सौ बना के बेच सकते हैं वो होगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर तो कोशिश रहे आपको कि आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो आपका प्रोडक्ट निकालते हैं वो उसमें हार्डनेस काफ़ी हो क्योंकि लोग हार्डनेस ही देख के मान लेते हैं कड़कपन देख के मान लेते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको अगर यदि आप इन बातों को ध्यान देते हैं इन बातों पे अमल करते हैं इनको फोकस करके चलते हैं तो आपका काम दुगना हो सकता है और आपका भी सेल अच्छा खासा हो सकता है और आप अपने काम में ग्रोथ अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो आप चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अगर यदि आपको कुछ पाना है तो स्टार्टिंग में कम से कम चार छः महीने तो आपको ऐसे चलना ही पड़ेगा रेट थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा दो पैसा कम बचे लेकिन आपको थोड़ा सा चल... ले कर चलना पड़ेगा रेट को कम जब जा करके आपका मार्केट बनेगा क्योंकि पहचान ऐसे नहीं बनता पहचान या तो नाम से बनता है या बदनामी से बनता है दो चीज़ों से बनता है तो आपको ऐसा करना है कि आपका नाम कैसे बनेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना नाम मार्केट में बना सकते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि जब भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद